इनके साथ है। में इसकी स्थापना की थी। तो ये इसका अगर नॉर्मल आपने मॉडल देखते ना, फोर्ड फोर्ड बताया, आपने जनरल मोटर बताया। तीन कंपनी हो गई, फोर्ड, क्रिसलर, जनरल मोटर। ओके ओके ठीक है सर। और ये ऑटोमोटिव सप्लाई चेन है, ये तो आपको पता ही है, जो भी ऑटोमोटिव कंपनी है वो यूज करती हाँ है, जी हाँ जी पर ये, हाँ आजकल ये नॉन मालूम है। ऑटोमोटिव भी यूज करने लगी है इसको। ठीक है, ठीक है इसमें हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं प्रोडक्शन रन। हम पीपैप सबमिट करने से पहले क्या देखते हैं, तो जो भी हमारे इसमें लिखा हुआ दिखा हुआ, जैसे प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स एंड टूलिंग, जो प्रोडक्शन के दौरान टूल यूज करना है आपको, वही टूल यूज करना है पीपैप के समय। ये नहीं कि हम पीपैप सबमिट करने से पहले कुछ ऐसा टूल यूज कर लें जिसमें क्वालिटी अच्छी बने, प्रोडक्टिविटी अच्छी निकले आपकी, और फिर बाद में जाके क्वालिटी को डाउन कर दें हम। तो इससे क्या होता है, आपकी मार्केट में छवि खराब होती है। कुछ कंपनियां करती हैं, ठीक जब ऑडिट होती है या फिर पीपैप सबमिट करते हैं, उस समय टूल और इक्विपमेंट्स बहुत अच्छा यूज करते हैं, क्वालिटी का, बेटर क्वालिटी का यूज करते हैं, उसके बाद वो डाउन कर देते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, अब ठीक बात होती ठीक है है एम्प्लॉय की। जब हम प्रोडक्शन का पीपअप चलाते हैं तो हेल्पर से मशीन चलवाते हैं, और जब हम प्रोडक्शन पीपअप सबमिट करते हैं, तब एक कोई सुपरवाइजर लेवल का, कोई एक्सपीरियंस बंदा उस प्रोडक्शन को चला के लॉट निकाल देता है, उसके बाद क्या करते हैं हेल्पर से चलाते हैं, तो वो सब नहीं करना है आपको। ठीक है, ठीक है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रेट की बात करता है, प्रोडक्शन रेट, साइकिल टाइम बोलते हैं इसको, तो साइकिल टाइम वही रखना है जो आपको प्रोडक्शन के दौरान चलाना है। ठीक है, प्रोसेस ठीक है आपको वही रखना है, प्रोसेस स्टेप, जब प्रोसेस स्टेप होते हो ना, जो भी आपके स्टेप हैं, ड्रिलिंग, टैपिंग, जो भी आपके पेंट शॉप करते हैं, धुलाई, उसको बास करेंगे, फिर प्री कोट करेंगे, फिर दो तीन क्लियर करेंगे पेंट में, है ना, तो ऐसे ही जो हाँ भी जी होते हैं, तो वो सारे आपको प्रोसेस वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे आप पीपैप के दौरान दिखा रहे हैं कंट्रोल प्लान में, या एक्टिविटी कर रहे हैं, वही रखना है आपको। ठीक है, ठीक तो यही कह रहा है, ऑल डाटा रिफ्लेक्ट द कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी यूज द सेटअप। जब आप सेटअप करते हैं तो वही डाटा रखना है एंड तक, तो आपका कभी क्वालिटी खराब नहीं होगी, ना आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, ना आपका प्रोडक्शन खराब होगा, और आपकी इमेज मार्केट में बनी रहेगी आपकी। ठीक बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, एक एक वर्ड में बात करें तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ सर, जो भी हम लोग ना, हमें अपने एम्प्लॉय को चेंज करना है, ना इक्विपमेंट को चेंज करना है, ना प्रोडक्शन रेट को चेंज करना है, ना प्रोसेस को चेंज करना है। जी और ये थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में हमको इसी को फॉलोअप करना है, जब तक हम पीपैप सबमिट ना कर लें, या जी उसके बाद भी। ठीक जी बाद भी, बट चेंज करना है है तो उसी लेवल का ही हमें रखना है, चेंज करना ठीक पड़ेगा, है तो लेवल चेंज नहीं है, लेवल वही लेवल रखनी जिस लेवल का हमने पीपअप सबमिट किया है। किया है। ठीक है तो हम पीपअप का पर्पज क्या होता है इसका, अगर पीपअप का कोई पूछता है पीपअप का क्यों सबमिट करते हैं, पर्पज क्या है, तो प्रोवाइड द एविडेंस दैट ऑल कस्टमर इंजीनियरिंग डिजाइन रिकॉर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट आर प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो सारे आपको लर्न हो जाते हैं, समझ में आते हैं आपके सारे, और एक एक कलेक्ट हो जाते हैं। पीपल में 18 डॉक्यूमेंट होते हैं, सब डॉक्यूमेंट बिखरे हुए होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल में आ जाते हैं, और सभी लोग उसको सीएफटी करके समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट को हम। ठीक है ठीक है, तो ये इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हो, तो ये डेफिनेशन है इसकी, ये डेफिनेशन दे सकते हो आप, बहुत इजी डेफिनेशन है, तो ये आप बता सकते हो। ठीक है तो वही कह रहा है, पीपैप मैनेज चेंज एंड इंश्योर प्रोडक्ट कन्फर्मेंस। आपने यानी कोई प्रोडक्ट को चेंज करते हैं या कोई न्यू प्रोडक्ट है, तो आपका एक कन्फर्मेंस होता है पूरा कि हाँ हम समझ ठीक गए, हमारी मैन पावर समझ ली है, जो ऑपरेटर है वो भी समझ लिया, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, या किस जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी हमने सब समझ ली, यानी सारी एक्टिविटी हमारी अंडरस्टूड हो गई है। ठीक है, उसके ठीक बाद पीपअप सबमिट करने की रिक्वायरमेंट कब कब होती है कंपनी में। अब आप क्वालिटी है, क्वालिटी में थे, प्रोडक्शन में हैं, तो आगे भी जिम्मेदारी आ रही है आपके ऊपर, तो आपको एवरेज ये पता होना चाहिए कि ये पीपअप सबमिशन कब कब करते हैं। तो पीपअप ठीक है सबमिशन करते हैं, शायद आपको पता होंगी ये बातें, ये मैं ये नहीं करा नहीं पता है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ये बातें। ठीक है, हाँ नहीं, ये तो कुछ कॉमन बातें हैं जो पता है, जैसे नया पार्ट डेवलप आप कर रहे हो तो पीपअप सबमिशन का आवश्यकता पड़ता है, किसी तरह का ईसीएन हो तब पीसीएन भी हो, जरूरत पड़ता है, तब भी जरूरत पड़ता है। अगर मान लीजिए कि किसी तरह का आप चेंजिंग आ रहा है मशीन में हो या फिर मैन पावर में हो, किसी में हो, तो आप पीपअप को सबमिट कर सकते हैं। हाँ जी ये आपको लंबा लगा पता ही है, ईसीएन पीसीएन पता है, पीसीएन क्या होता है, प्रोसेस चेंज, ईसीएन, हाँ हाँ ठीक है, प्रोसेस चेंज, पीसीएन तो प्रोसेस चेंज है, ईसीएन मतलब इंजीनियरिंग चेंज हो गए, वो तो किसी प्रोसेस चेंज डिजाइन में से क्या क्या आएगा रिलेटेड अगर आपका, कर रहे हो तो। प्रोसेस चेंज में क्या क्या आएगा,
सर प्रोसेस चेंज में जैसे मान लीजिए किसी ऑपरेशन को करने में हम लोग 3 4 स्टेप ले रहे हो, जैसे ड्रॉ हो गया, पंचिंग, ट्रिमिंग, कोई परफेक्ट भी, परफेक्ट सर, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। तो अगर तो हम मैं एक स्टेप को आउट करके डायरेक्ट दूसरे स्टेप में जा रहे हो, जैसे मान लीजिए पंचिंग की आवश्यकता ना हो, हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, ठीक है, या पंचिंग ट्रिमिंग को एक ही बार में हम कंबाइन करके प्रोग्रेसिव कर रहे हो, समझ गया, ठीक है, परफेक्ट, तो फिर जरूरत पड़ती है। ठीक है, गुड। आपको ये सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद उसमें वही दिया हुआ है, पीपेप इज रिक्वायर्ड विद एनी सिग्निफिकेंट चेंज। अब हर कोई चेंज में नहीं करते हैं हम, कुछ मेन चेंज हुआ, ऑपरेटर चेंज हुआ, तो हम इसको पीपअप नहीं करते हैं। कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है आपका, क्रिटिकल कोई चेंज हो रहा है, तो पीपअप सबमिट करना है, प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई चेंजिंग आ रही हो, प्रोसेस या प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग, हाँ प्रोडक्ट की रिकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोसेस या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई डायमेंशन चेंज हो रही है, या प्रोडक्ट की हार्डनेस या कोई एंगल वगैरह कुछ भी चेंज हो रहा है, प्रोसेस पैरामीटर में या प्रोडक्ट पैरामीटर में, प्रोसेस या प्रोडक्ट पैरामीटर में कुछ भी चेंज हो रहा है या कुछ प्रोसेस में चेंज हो रहा है, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा पीपैप। तो वही लिखा, पीपैप इज रिक्वायर्ड विद एनी सिग्निफिकेंट चेंज टू प्रोडक्ट फॉर प्रोसेस, क्लियर। ठीक है। तो ये और लिखे हुए हैं एक्टिविटीज, तो ये सब वो सेम ही है, ये मेरे साथ आपको पीपीटी शेयर कर दी है, उसमें सब मिल जाएंगे आपको ये, ठीक है। ठीक है। ये वही है, कुछ कॉस्ट सेविंग के लिए आप चेंज करते हैं भाई, इम्पोर्ट कॉस्ट सेविंग के लिए करते हैं तभी पीपअप देना पड़ेगा आपको। चेंज द हाँ सप्लायर, चेंज करते हैं आप, कोई सप्लायर रॉ मटेरियल ले रहे थे आपसे, एक्सपोर्ट एक सप्लायर से, वो सप्लायर आपने चेंज कर दिया, तो भी आपको पीपअप सबमिट करना पड़ेगा, ठीक क्योंकि है। हो सकता है वो सप्लायर का मटेरियल आ रहा है, वो कैसा मटेरियल है, किस ग्रेड का मटेरियल है, ठीक है, ग्रेड भी एक हो सकता है, बट उसकी सप्लाई और इसकी सप्लाई में फर्क हो सकता है ना, वो भी हमें पीपअप देना पड़ेगा। आज कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज होते हैं, वो बता ही दिया मैंने आपको, पैकिंग कुछ चेंज करते हैं, तो भी पैकिंग हमारा जा रहा था बिन में, अब हम प्लास्टिक की बिन में या फिर अलग अलग टाइप से देना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको पीपअप देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पीपअप के बेनिफिट्स हैं, तो ये बेनिफिट तो आपको पता ही होगा, हेल्प करता है मैनेज द डिजाइन इंटीग्रेट, जो भी डिजाइन के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इंटीग्रेट करने में, डॉक्यूमेंट इंटीग्रेट करने में आइडेंटिफिकेशन द इशूज अर्लियर, रेजोल्यूशंस, जो भी रेजोल्यूशंस हैं, जो भी आपके इशूज हैं उनको समझने में और जो भी प्रॉब्लम है उसको समझने में, और असेस द मैनेजिंग द सप्लाई चेंज। अगर कोई सप्लायर का कोई मटेरियल आ रहा है, अगर वो चेंज हो रहा है, तो उसका पीपअप से आप समझ जाते हैं कि सप्लायर हमें मटेरियल प्रॉपर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। पीपअप को देखिए, हमें पीपअप से समझ जाते हैं कि इसका प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, कितना कैसा है, तो वो सारा पीपे में पता होता है, तो हमें सप्लायर को भी पता भी लग जाता है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं ये, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द सप्लायर दैट नीड मोर डेवलपमेंट, तो हमें ये भी पता लग जाता है कि हमें सप्लायर को यही डेवलप करना है या न्यू डेवलप करने की जरूरत है हमें, क्योंकि पीपे में पूरे स्टेप हो जाते हैं और पूरी रिक्वायरमेंट हमारी फिलफिल हो जाती है, तो हमें ये भी पता लग जाता है सप्लायर हमारा परफेक्ट है क्या, ठीक है। ठीक है, ठीक उसके बाद आते हैं लेवल। पीपीएफ 5 लेवल का होता है, मोस्टली कंपनियां 3rd लेवल का डॉक्यूमेंट सबमिट करती हैं, है। ये मालूम है। ठीक है। तो फर्स्ट लेवल में आपका पार्ट समिशन वारंटी आता है, कस्टमर की जो भी है, अगर आपका अपेरेंस पार्ट है, अपेरेंस पार्ट समझते हैं क्या होता है, नहीं सर, अभी तो नहीं। हाँ, अपेरेंस पार्ट वो होता है जो गाड़ी के बाहर से दिखता है, विजुअल बाहर से दिखता है, जिसमें आपको पेंट कर रहे हैं, तो पेंट का मतलब वो जो पार्ट गाड़ी के बाहर लग रहा होगा, वो बाहर से लुकआउट होगा होगा, तो उसमें ठीक आपको है, ठीक अपेरेंस अप्रूवल रिपोर्ट जाएगी, है, जिसमें कलर का डेल्टा वैल्यू, कलर की सरफेस फिनिश, कलर की थिकनेस, जो भी पेंट करते हैं तो पेंट की थिकनेस होती होगी एक, तो वो उसका डाटा एक रिपोर्ट जरूर जाएगी, और पार्ट सबमिशन बांट जाएगा लेवल 1 में। ठीक है। अगर 2 लेवल की बात करें हम, तो प्रोडक्शन पार्ट सबमिशन और कुछ लिमिटिंग सपोर्टिंग डाटा चला जाता है, कंट्रोल प्लान चला गया, एफएमई चलेगी, और ये चला गया, ठीक है, तो इस टाइप चला जाता ठीक है, बट हमारा 3rd लेवल में सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे जाएंगे जी। और 4th लेवल की बात करें, तो इसमें हमारा क्या होता है, कस्टमर की कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर कहता है भाई हमें ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो वो सबमिट करने पड़ेंगे आपको। 5 लेवल में ठीक कहता है, वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल्स एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा रिवाइज एट द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके जो आपने है। पीपीएफ बनाया है उसके हिसाब से ऑडिट करेगी कंपनी, कस्टमर आपका ऑडिट करेगा आपके यहाँ पे आके, और तब अप्रूवल करेगा उसे ठीक है, ठीक 5 लेवल में। जी आपको क्लियर हो गया पूरा, है ना, अगर कुछ नहीं मांगते तो भाई डिफॉल्ट आपको 3rd लेवल का डॉक्यूमेंट देना है। है, ठीक उसमें आपको लिखे हुए हैं स्टार
और ये दिया हुआ 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, इसमें देख रहे हैं आपको कहीं आर लिखा है, कहीं एस लिखा है और कहीं पे स्टार, जो 3 शब्द लिखे हुए हैं। तो एस आर स्टार, इन तीनों का मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल सबमिट टू द कस्टमर एंड रिटर्न कॉपी रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट आइटम्स एट अप्रोप्रिएट लोकेशन, यानी एक कॉपी तो वो कस्टमर को सबमिट कर देगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा। आस्क एस का मतलब ये है, ठीक आर का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिटेन अप्रोप्रिएट लोकेशन, यानी एक अपने पास एक कॉपी रखेगा, मेक अवेलेबल टू द कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, यानी अवेलेबल कराएगा, कब देगा नहीं, मेक अवेलेबल कराएगा, आर में वो अवेलेबल कराएगा, भाई देख लो कॉपी, मैं दूंगा नहीं आपको, ये मेरी प्रोप्राइटरी है, ठीक है ठीक है। तो वो अवेलेबल करा देगा, तो सोई 5 लेवल में देखो आर लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइव ठीक है, ये लेवल कस्टमर के मतलब क्या मांगने है? पे, अगर कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है तब। हाँ, वो कहता है कि भैया हमें पीपअप चाहिए, तो भाई आके पहले देख लो और ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कर लो। ठीक जी, हमने 5 लेवल में बताया था ना आपको, है, हाँ जो सबमिट करे कस्टमर देखेंगे डॉक्यूमेंट, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आके विजिट करेगा, तो भाई विजिट कर लो, डॉक्यूमेंट मेरे ये हैं, जैसे प्रोसेस है बस देख लो, खत्म करनी, हाँ मैं आपको ठीक भेजूंगा है, नहीं, सबमिट नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक बट ठीक ठीक है स्टार लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजर सेल रिटेन अप्रोप्रिएट लोकेशन, अपने पास तो रखेगा ही, सबमिट टू द कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, जब कस्टमर मांगेगा तब उसको सबमिट कर दिया जाएगा। ओके, इसमें सबमिशन है, उसमें अवेलेबल कराना यस, अवेलेबल मतलब समझते हैं क्या होता है, बस दिखाना है। था। हाँ, केवल दिखाना है बस आपको। हाँ, और आपको यहाँ पे भी पता लग रहा होगा, ये लेवल में पढ़ा तो क्या लिखा हुआ है, वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल्स एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा रिवाइज्ड, ना देखो ये, एट ऑर्गेनाइजेशंस एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे ऑर्गेनाइजेशन को वो सारा डाटा दिखाना है। दिखाना, रिवाइज कराना है वहीं पे, है हाँ ठीक है, ठीक ना, मैनुअल 5 में है, लिखा हाँ हुआ है, और जे ही आप मैनुअल पढ़ेंगे तो मैनुअल में मिलेगा आपको ये, और जे ही आपको मैनुअल बना हाँ देना है पीपैप का, ठीक तो पीपैप का मैनुअल ये नहीं कहता है कि तुम अपना जो भी, देखो कुछ का प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कस्टमर अगर आपको दे दोगे तो कस्टमर कहीं से बनवा लेगा डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट, वो कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं तो वो चले जाएंगे, तो वो बना सकता है, वो आपको लग रहा है कि ये कस्टमर मेरे से, यहाँ से जो मेरा पार्ट सैंपल पास करा लिया इसने और थर्ड पार्टी से, ऐसा हो जाता है बहुत बार, कई कंपनी में हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो वो ऐसे क्या करते हैं, वो देते नहीं है 5 लेवल का, फिर वो से कहते हैं भाई देख लो, मेरा ठीक ऑडिट कर है, लो यहीं पे, ठीक है। ठीक है, ठीक तो यहां तक ये क्लियर हो गया, है, ठीक है। तो वो यहाँ पर समझाया गया था, जो 18 डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें, इसमें पहला होता है पार्ट सबमिशन वारंट, डिजाइन रिकॉर्ड, बलून ड्राइंग है ना, उसके बाद अप्रूवल इंजीनियरिंग चेंज, कुछ डॉक्यूमेंट है तो जो ईसीएन देंगे तो उसका कुछ अप्रूवल चाहिए आपको, उसके बाद डीएफएमईए, डीएफएमईए वो कंपनियां देती हैं जिनका खुद का डिजाइन होता है, अगर ठीक कस्टमर का डिजाइन है तो डीएफएमई की है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ठीक प्रोसेस फ्लो डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, आपका प्रोसेस का स्टेप इनकमिंग से लेके और डिस्पैच तक की एक्टिविटी सारे दिखाने पड़ेंगे, और जो प्रोसेस फ्लो में स्टेप रखेंगे वही आपके पीएफएम में रहेंगे, वही आपके कंट्रोल प्लान में रहेंगे स्टेप, है, वो सेम स्टेप रहेंगे तीनों जगह पे। उसके बाद आपका आता है एमएसए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, एमएसए करना पड़ेगा आपको, डायमेंशन रिजल्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, मटेरियल्स परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, यानी लैब के डॉक्यूमेंट, कैलिब्रेशन के डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है ये। ठीक इनिशियल प्रोसेस स्टडी यानी एसपीसी की बात कर रहा है, सीपीसीपी के, पीपीपीपी के, जो कस्टमर मांगता है सीपीसीपी मांगता है, पीपीपीपी के मांगता है, वो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, इसमें कैपेबिलिटी स्टडी करते हैं, ठीक है। और क्वालिफाइड लेबोरेटरी, सॉरी ये आपको मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट, ये गलत हो गया, यहाँ पे 11 नंबर पे था ना, ये टीसी रिपोर्ट की बात करता है यहाँ पे, और जो क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट है ये आपका कैलिब्रेशन की बात करता है यहाँ, ठीक ठीक है। ये टीसी रिपोर्ट जो आपके जो मटेरियल आ रहा है रॉ मटेरियल, उसकी टीसी रिपोर्ट, केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं, या फिर वो जो अंदर केमिकल की जो भी टेस्ट रिपोर्ट होती है उसकी उसकी बात कर रहा है हाँ, जी, वो NABL से जो अप्रूवल लिया जाता है इसके बारे में, स्पेक्ट्रो रिपोर्ट हो गया मटेरियल का, या फिर उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टेंसाइल का, हार्डनेस का, जो भी हो। वही रिपोर्ट की बात कर रहा है, और जहां बात कर रहा है वो आपके लैब के कैलिब्रेशन की बात कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन की बात कर रहा है,
जो भी आपके टेंसर टेस्टिंग मशीन है, वर्नियर है, माइक्रोमीटर हेड गेज है, उन कैलिब्रेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है। तो सर इसमें बेसिकली जो डॉक्यूमेंट हमें बनाने होंगे वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होगा सर? एक तो PSW फिलअप करना पड़ेगा, ठीक वन, है, सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, समझ रहे हैं ना मैं मार्किंग कर रहा हूं ये? हाँ सर PFMEA कंट्रोल प्लान कुछ तो मुझे पता भी है, हाँ ठीक देखो। है, कंट्रोल प्लान MSA और एसपीसी, TC तो मिल जाए, TC तो मिल जाएगा वहां से, ठीक है, लैब उसका तो नहीं करना है कुछ भी, एसपीसी और उस SPC भी है, ठीक और एपरेंस अप्रूवल, आपके केस में वो लगेगा ये सात। है, AR लगेगा अपीयरेंस अप्रूवल, ठीक है, सैंपल प्रोडक्ट पार्ट में ये SIR है क्या इसका? सैंपल आ जाएंगे आपके ये, ठीक है ठीक है, मास्टर सैंपल वहां से आ जाएगा आपका, ये भी प्रोडक्ट सैंपल की बात कर रहा है दोनों ये। उसके बाद चेकिंग एडेज बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चेकिंग एड बनाना पड़ेगा, हाँ, ये आठ डॉक्यूमेंट हैं आपके ये फिल करने वाले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार सर मैं रिपीट करूँ इसको, पहला हाँ PSW है, फिर जी PFD है, जी जी PFMEA है, जी कंट्रोल प्लान है, MSA है, जी SPC है, ये डायमेंशनल रिजल्ट रिपोर्ट है क्या? एक अच्छा एक डायमेंशनल, रिपोर्ट, जो भी आपकी फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जाएगी। अच्छा डायमेंशनल रिजल्ट जो है ये, हाँ ठीक है, तो SPC के बाद डायमेंशनल रिजल्ट हो गया, उसके बाद AAR रिपोर्ट हो गया, जी उसके बाद चेकिंग एड हो गया, जी ये डॉक्यूमेंट 9 डॉक्यूमेंट है जो हमें बनाने हैं, जी ठीक है सर, और ये फिर बगल में आपने लिखा है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये क्या है? अगर कस्टमर मांगता है तो ये एग्जाम्पल दिए हुए इस टाइप से मांग सकता है वो डॉक्यूमेंट, ओके ओके नहीं ये कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कोई मांगता है तो, नहीं मांगता है तो नहीं, एग्जाम्पल में लिख दिया कि ये यार मांग सकता है ये। आजकल तो मांगने लगे हैं सर ये भी, हाँ, तो जैसे कोई पैकिंग कैसे करते हो आप, पैकिंग क्या है, गैंट चार्ट क्या है, आपका कैसे एक्टिविटी करते हैं ये, तो वो अलग अलग मांगता है, उसके हिसाब से बनाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट ये, वो डॉक्यूमेंट। ठीक है ठीक ठीक है, है मेन डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा है भाई, आठ डॉक्यूमेंट, नौ डॉक्यूमेंट, यही नौ डॉक्यूमेंट है जो आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक हाँ, एक तो एक ऊपर रह गया जो पार्ट सबमिशन वारंट तो लिया ही नहीं, एक जगह 10 हो गए डॉक्यूमेंट। ठीक है, है, ठीक चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद पीपा हमने सबमिट कर दिया, उसके रिजल्ट तीन कैटेगरी में आ सकते हैं। एक तो फुली अप्रूव्ड आ है, जाएगा, पूरा अप्रूव्ड है, ठीक, दूसरा आएगा इनिशियल अप्रूव्ड है, और तीसरा रिजेक्ट कर देगा। ओके ओके तो ये अप्रूवल तो समझ में आ गया कि कस्टमर ने अप्रूव कर दिया, अब आप प्रोडक्शन में उसे ले सकते हो, ठीक है, जी, ये इंटरिम अप्रूवल का क्या मतलब है? इंटरम या इनिशियल अप्रूवल, यानी इंटरम अप्रूवल कर दिया गया, उसने पार्शियल अप्रूवल कर दिया है कि भाई आपकी ये डायमेंशन, जैसे 18.1 प्लस माइनस 0.2 डायमेंशन है, जो आपकी 18.32 तक जा रही है, जबकि 18.3 तक जानी चाहिए थी, ठीक है समझ रहे हैं आप? तो ये हाँ दो हाँ डा हाँ अब उसने कहा कि इसको कंट्रोल कर लो डायमेंशन को, और आपको चलाओ मशीन, ठीक है, मतलब कंडीशनल अप्रूवल वो दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक कंडीशनल अप्रूवल हो गया ये। है ठीक है, और रिजेक्ट में तो रिजेक्ट करिए, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी आपकी वो सही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है हो सकता है, एक एग्जांपल दिया है, हो सकता है और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई हो सकता है आपका कंट्रोल प्लान में कुछ चेंज करना हो सकता है आपको डीएफएमई में चेंज करना हो, पीएफएमई में चेंज करना हो, प्रोसेस फ्लो में कुछ चेंज करना हो, वो भी हो सकता है। डॉक्यूमेंटेड भी प्रॉब्लम हो ठीक सकती है, और आपकी डायमेंशनल भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ प्रोसेस भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ठीक कहीं है भी हो सकती है, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने ये। ठीक है सर, ठीक है ठीक तो इस टाइप से आपको अप्रूवल मिल जाता है पूरा, है क्लियर? ठीक है सर, हाँ, तो यहाँ पे यही कह रहा है, तो प्रोडक्ट जो भी हमारे क्वांटिटी, तभी हम सबमिट कर सकते हैं जब हमारा कस्टमर अप्रूवल कर देता है। ओके तो इसकी कंडीशन होती है कुछ, जिसमें हम या तो 1 ओवर की प्रोडक्शन होनी चाहिए हमारे पास, 1 ओवर से लेके 8 ओवर की प्रोडक्शन होनी चाहिए हमारे पास, तब पीपअप सबमिट किया जाएगा। ठीक है इसमें मिनिमम आपके 300 पार्ट होने चाहिए, क्योंकि आपको एमएसए स्टडी करना है, एसपीसी स्टडी करनी है, डायमेंशन रिजल्ट रिपोर्ट देखना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 300 पार्ट चाहिए चाहिए। ओके ठीक है, तो ये आपका
सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट रन में आता है। क्लियर? मिनिमम 1 आवर टू 8 आवर प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, चाहिए, और मिनिमम और 300 पीस चाहिए। चाहिए चाहिए। ओके, दूसरा कहता है अगर आपका कोई मोल्ड है या कोई केविटी है, डाई कास्टिंग का पार्ट है, तो प्रत्येक पार्ट का आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आपका ये मोल्ड है, एक ही मोल्ड में तीन पार्ट बन रहे हैं ये, तो इसको आपको या तो इसकी पांच पांच पीस लेके, इसके पांच पीस, इसके एक दो तीन, तो 15 पीस की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो इन पे मार्किंग करनी पड़ेगी आपके, ये केवटी नंबर 1 2 3 कर दिए, तो आपको या तो इस प्रकार बना दो आप, एक नंबर केवटी में 5 पीस ले लिए, या एक केवटी वाइज एक रिपोर्ट बना दो आप। ठीक है, तो दूसरी केवटी का ले लिया 5 पीस की रिपोर्ट, यहाँ ले ली, और तीसरी केवटी ले ली 5 पीस, यहाँ ले लिए, या पर सिंगल बनाओ तो 3 रिपोर्ट बना दो अलग से, एक नंबर ठीक पार्ट है। की, एक नंबर केवटी की, 2 नंबर केवटी की, 3 नंबर केवटी की, एक रिपोर्ट, तो 3 रिपोर्ट आपको ठीक सबमिट करनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है। ये क्लियर हो गया? अगर एक ही पार्ट है ठीक आपको तो 5 पीस ले लिया आपने, सफिशियंट है। ठीक अगर 4 है तो आपको 4 लेनी पड़ेंगी फिर रिपोर्ट। तो वो यही कह रहा है यहाँ पे कि जो भी आपकी केविटी या मोल्ड है प्रत्येक का चाहिए उसे। चलिए। क्लियर? हाँ क्लियर है सर। उसके बाद बल्क मटेरियल। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा बल्क मटेरियल लग रहा है, जैसे ग्रीस है, कोई धागा है, या कोई ऐसा लिक्विड है, तो वो आपके उसका भी रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी बल्क मटेरियल की। ओके। ठीक है, अगर आपके केस में तो ये बल्क मटेरियल नहीं होगा तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस बल्क मटेरियल का पूरा सब एनालिसिस करना पड़ेगा अलग से, उसका भी एमएसए एसपीसी सब एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको वो। ठीक है, ये तो डाइकास्टिंग के लिए ना हो गया, जहाँ हाँ, डाइकास्टिंग की जो कंपनी होगी उसके लिए है। उसके लिए है। प्रॉपर सीट मेटल में या फैब्रिकेशन में इसका जरूरत तो नहीं है। नहीं है, तभी मैं कह रहा हूँ जो उन कंपनियों के लिए होता है, ये आपके में नॉट एप्लीकेबल ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब हम आते हैं, एक ड्राइंग ले ली हमने, ये ड्राइंग आपके कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। जो हम ड्राइंग बनाते हैं, हमने ड्राइंग ले ली, तो एक एग्जांपल ले लिया हमने ड्राइंग का, ये जहाँ पे अपने पार्ट रख लिया और उसका फोटो ले लिया, तो हमें पता लगेगा ये ड्राइंग है, ये फोटो है, समझ में आ रहा है आपको, ऐसा ठीक रख है, सकते ठीक हैं। ठीक है, है, उसके बाद आपने लिस्ट में देखना है जो भी आपकी कंपोनेंट्स है, ड्राइंग्स है, एक स्टेप बाय ड्राइंग भी बनानी पड़ सकती है, तो वो भी बना सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा प्रोसेस वाइज ड्राइंग होती है, बोलते हैं एक एंगल का अलग हो गया, ट्रिमिंग का अलग हो गया, ड्रिलिंग का अलग हो गया, टैपिंग का अलग हो गया, तो वो अलग अलग ड्राइंग है आपकी, तो वो पीपैप में सबमिट नहीं करते हैं, बट आपके पास वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने देखा बॉम्ब्स। बॉम्ब्स होता है बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल समझते हैं, जैसे आपका जो ये पार्ट है, इसमें जो किस केमिकल से मिलके बना है, या आपका जो पार्ट असेंबल कर रहे हैं, एक खिड़की असेंबल कर रहे हैं, जो कार की विंडो असेंबल कर रहे हैं, तो विंडो में नट बोल्ट, ग्लास, मोटर, स्विच, बहुत सारे आइटम लगे, ये बल्क उसमें आ जाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल में आ जाएंगे। अगर ये तो आप, डिजाइन वाले दे देंगे ना इसको। हाँ, ये डिजाइन वालों काम होगा, आपका काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। मटेरियल स्पेसिफिकेशन जो हमने बात करी मटेरियल की, वही टेस्ट पैरामीटर आपने बताए थे, इसमें से सिलिकॉन, कॉपर, मैग्नीशियम, यानी केमिकल का जो भी स्पेक्ट्रोमीटर देखने वो रिपोर्ट हो जाएगी, ये भी आपको स्पेक्ट्रोमीटर से मिल जाएगी आपको ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। उसका होता है परफॉर्मेंस टेस्ट स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस समझते हैं, परफॉर्मेंस कैसे टेस्ट करते हैं, यानी इसकी थ्रेड है कितने टाइम तक, ये कितने प्रेशर तक टाइट हो सकती है, कितना प्रेशर झेल सकती है, कितने टन का, कितने केजी का प्रेशर झेल सकती है, उसके बाद स्लिप हो जाएगी। वो तो टॉर्क गेज है, टॉर्क से भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, टॉर्क गेज से, तो वो इसकी परफॉर्मेंस है आपकी। ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपके केस में ऐसा कैपेबल होगा या नहीं होगा, शायद आप चेक करते होंगे, प्लेटिंग का चेक करते होंगे आप, उसमें से पेंट करते हैं, पेंट का देखते हैं कितने टेम्परेचर पे उतर जाएगा ये, या कोल्ड टेस्ट, इसके बहुत सारे टेस्ट करते होंगे आप, इसके सारा टेस्ट, क्या क्या टेस्ट करते हैं उसके। हम तो सर यहाँ पे जो पेंट का करते हैं वो डीएफटी मीटर अपने पास है। ठीक है, डीएफटी मीटर से रीडिंग ले लिए, 10 जगह 8 जगह जो भी है,
पेंट का लेयर चेक कर लेते हैं। 100 माइक्रोन का इनका एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि 100 माइक्रोन मुझे चाहिए मशीन पे, तो अप्रोक्स फिर भी हम 90 से लेके 100 से मैक्सिमम जितना हो सके कोई दिक्कत नहीं है, 90 मिनिमम है, ठीक है, एक्सेप्टेबल रेंज 90 है, नहीं तो +100 के होना ही होना है, तो उतना तो वो लग भी जाता है 100 माइक्रोन के ऊपर का पेंट। अच्छा, उसमें से और कोई चीज नहीं ले देखते हम उसमें क्या पेंट में हाँ, पेंट की ना, परफॉर्मेंस क्या चेक पेंट करते हो? सर, पेंट में तो अभी तक मेन रूप से DFT ही इस कंपनी में चल रहा है, अच्छा, बाकी नहीं है पेंट में? बाकी बाकी नहीं है सर। अब चूंकि मशीन बनाती है कंपनी, तो DFT सफिशियंट है। ठीक है। उसके बाद बलून ड्राइंग बोलते हैं, बलून ड्राइंग के साथ आपको पता होगा। हाँ ये जो बलूनिंग करते हैं इस पे हम, हाँ 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 वो SIR बनाते हैं इस पे, सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो हम लोग करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का, जब मशीन से निकला कोई नया पार्ट तो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग SIR रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये बलूनिंग करके हर डायमेंशन को चेक किया जाता है, चाहे वो क्लॉकवाइज आप घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, ठीक क्लोकवाइज घूम जाओ, है। परफेक्ट, वही मैं बताना जा रहा था आपको। ठीक है। ये तो मैं सबमिट करता था, तो ये पता है मुझे। हाँ, अब जैसे मैंने जहां से कहीं से एक जगह से पकड़ लेते हैं, जहां से पकड़ लिया मैंने, तो 1 नंबर 2 3 4 5 6 8 ऐसे हम करते जाते हैं। ये हाँ, क्लॉकवाइज घूम जाना है वो कभी भी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम जाओ आप, हाँ, वो सारे टाइम से कवर होने चाहिए, कहने का मतलब है। ठीक है ठीक है। ठीक है। उसके बाद कुछ ईसीएन पीसीएन है तो वो देखते हैं। तो ईसीएन का फॉर्मेट इस प्रकार होता है आपका। ठीक है। अब इसमें से क्या है, आप देख पा रहे होंगे इंजीनियरिंग का कोई उसका ड्राइंग नंबर, ये ड्राइंग नंबर हो गया। पार्ट का नाम क्या है, मान चलो पिन है कोई। रिवीजन नंबर क्या है, 0 है, कुछ नहीं है। पार्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन है तो लिख सकते हो यहाँ पे, कहाँ फिट होगी, इंजन में फिट होगी या फिर गियर में फिट होगी, जहां भी फिट होगा लिखना है यहाँ पे आपको। ईसीएन नंबर क्या चल रहा है आपका, आपकी कंपनी में तो 3 नंबर की ईसीएन है या 130 नंबर की ईसीएन है, क्या चल रहा है अपने आपके अब तक, कितनी आपने ईसीएन दे चुके हैं आप? अब इस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, आपकी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक वैसे डिजाइन वालों का काम होता है, आपका काम नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए। है। ठीक है। अगर कुछ ग्रुप है, कई क्या होता है, कई ग्रुप में कई पार्ट आते हैं, उस ग्रुप है तो उसके डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ठीक आता है है। आपका रीजन फॉर चेंज, आप क्या चेंज कर रहे हैं और क्यों चेंज कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। जैसे फिटमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपकी, फिटमेंट प्रॉब्लम कंपनी में, कस्टमर ने कहा फिटमेंट प्रॉब्लम आ रही है, तो अब चेंज क्या करना है, चेंज करना है कि जो हमारा डाया था 18.2 ± 0.2, 2 से ये 19.2 करना है मेरे को, ये चेंज करना है। क्या, कि ये फिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है भाई, इसलिए इसका साइज चेंज करके ये करना है डाया। तो ये तो आपका और भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है आपकी, ये तो मैंने एक लिखा है हाँ, आपको। वो तो कुछ भी है, लेंथ है, डाया है, टेपिंग है, हाँ, एंगल है, कुछ भी हो सकता है, ये ठीक है। इंजीनियरिंग चेंज से रिलेटेड कुछ भी ले सकते हैं आप, अगर प्रोसेस होगा तो चैम्फरिंग प्रोसेस का हो। लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, वो तो कुछ भी चेंज आप कर लो, वो एक फॉर्मेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी है हमारा, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा? परचेज ऑर्डर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा तो खाली छोड़ना है। ठीक है। ब्लॉक मटेरियल, अगर हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं, प्लास्टिक में था हम आयरन में जा रहे हैं, तो ब्लॉक मटेरियल चेंज होगा आपका। होगा। जो भी इंस्पेक्शन है, सॉरी वर्क इंस्पेक्शन यानी WI, WI पे कुछ इंपैक्ट आएगा क्या, या आपका प्राइस पे कुछ इंपैक्ट आएगा क्या? जहां जहां इंपैक्ट आएगा, जहां इफेक्ट आएगा, उस पर क्लिक करना है, और जिस पर नहीं आएगा उसको क्रॉस करना है, मतलब छोड़ देना है उसे। ठीक ठीक है। तो जहां पे इफेक्ट आएगा, ऐसे स्पेसिफिकेशन चेंज कर रहा हूँ उसके लिए, तो वहां पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल प्लान चेंज करेंगे, बस दो चीज होगा हमारा। प्रोसेस ठीक है पैरामीटर ठीक चेंज कर रहे हैं तो प्रोसेस पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे आपको, है। नहीं कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है ये। उसके बाद ये एक्टिविटी कहाँ की हो रही है, किस स्टेज की एक्टिविटी है, ये स्टेज क्या है, पेंट शॉप है आपका, ड्रिलिंग शॉप है, मशीन शॉप है, कास्टिंग है, कहाँ की बात हो रही है ये? तो उस ओनर ठीक। का नाम, जो पेंट शॉप का, तो पेंट शॉप के बंदे का नाम, अगर ओवरऑल एक ही कैंडिडेट है, जैसे आप हैं पूरी कंपनी का मालिक,
मतलब प्रोसेस ओनर आपके, जो भी जिम्मेदारी आपकी ये है, क्वालिटी प्रोडक्शन दोनों आप देख रहे हैं, तो आपका नाम यहाँ, ठीक है, प्रोसेस आप ऑपरेशन देख रहे हैं, ऑपरेशन और जहाँ सिग्नेचर आपके, और जहाँ डेट, ठीक है ठीक ये इतना आप सबमिट कर देंगे आरएनडी डिपार्टमेंट को। तो आरएनडी है अगर है आपके कंपनी में तो नहीं है तो सीधा कस्टमर को दे देंगे। ओके उसके बाद अभी दे देंगे इसको यहाँ पे आने के बाद, इसके बाद और सेफ्टी रहेगी इसमें, सेफ्टी रहेगा। अगर आपने आपकी कंपनी में एक तो प्रोडक्शन हो गया, क्यूए हो गया, मेंटेनेंस हो गया, परचेज है या मार्केटिंग है, किस किस की जरूरत पड़ेगी इस जो हम चेंज कर रहे हैं। हो सकता है परचेज वाले को इन्फॉर्म करना है, क्वालिटी को इन्फॉर्म करना है, मार्केट मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करना है, परचेज को इन्फॉर्म करना है और मार्केटिंग को इन्फॉर्म करना है। तो सबके नाम, सबको सिग्नेचर और डेट कब आपने इन्फॉर्म किया। ठीक फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन उसको और टाइप का भी फॉर्मेट हो सकता है, तो इसको करने का तरीका यही है, ठीक ठीक है। तो ये आपका ईसीएन फॉर्मेट हो जाता है। तो आज मैं इतना ही तक पढ़ाऊंगा आपको, कल हम इसके ओके लिए ओके फिर आपके डॉक्यूमेंट एक्सेल में बताना चालू कर दूंगा मैं, ये थ्योरी इतनी ही है। सर। ये तो ये दोनों डॉक्यूमेंट मेरे लिए उतना अर्जेंट नहीं था, ठीक है। लेकिन सर जिसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे, हेलो, हाँ।